this time ready to fire over this time बस बाकी हर वक्त इधर इस तरफ या ऐसे पकड़ के नीचे हाँ नीचे ही ऊपर ये नहीं करने ट्रिगर के पास उंगली बिल्कुल मतलब जल्दी से भी फायर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अरबाज खान व्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और अभी सुबह जल्दी उठना पड़ा है क्योंकि मैं जा रहा हूँ रनिंग के लिए। तो अभी सबसे पहले रनिंग करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, आधा घंटा रनिंग करूँगा। वैसे मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, हवा भी चल रही है और बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है सुबह सुबह के टाइम पर। काफ़ी टाइम बाद देख रहा हूँ, 2 महीने बाद सुबह रनिंग के लिए आया। तो अभी पहले रनिंग करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलता हूँ आपसे रनिंग करने के बाद। सो फ्रेंड्स, फाइनली रनिंग करके आ गया हूँ और रनिंग काफ़ी अच्छी रही आज की, अभी तक पता लग रहा है। अभी पहुँचा हूँ, 10 मिनट हुए हैं मुझे, थोड़ा बहुत रेस्ट किया मैंने, बाकी अभी पता लग रहा है कि हाँ रनिंग करके आया हूँ। पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा है। तो यहाँ मेरे जो घर के करीब वाला ट्रैक है, ये है करीब 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, तो इस पे आने जाने का हो जाता है टोटल 3 किलोमीटर। तो आज मुझे कवर करने में लगे हैं 3 किलोमीटर, कवर मैंने किए हैं 52 मिनट्स में, क्योंकि यहाँ से जाते हुए जो है मैं रनिंग करते हुए गया था और वापसी आते हुए जो है मैं वॉक करते हुए आया था। यहाँ से रनिंग करते हुए जो मुझे टाइम लगा था वो लगा था करीब करीब 20 मिनट का, और वापसी आते हुए जो लगा है वो 32 मिनट्स का मेरे ख्याल से टाइम लगा है। हाँ, 30 से 32 मिनट के करीब करीब लगा है, इतना टाइम लगा है। तो अभी मुझे सोने की तैयारी करनी है, क्योंकि रात को मैं लेट सोया था, 2 बजे के करीब सोया था, एडिट कर रहा था वीडियो तो 2 बजे के करीब सोया था और सुबह 6 बजे फिर उठ गया था। तो अभी मुझे सोना है और उसके बाद उठना है 9 से 9:30 बजे के करीब, और अभी टाइम हो रहा है 7:15, आई थिंक 7:15 हो रहे हैं, हाँ 7:15 हो रहे हैं, और उसके बाद मुझे उठना है 9 से 9:30 बजे के करीब उठना है वापस, और फिर कहाँ जाना है ये भी आपको बता दूंगा, और मेरे दिन की पहली मील क्या होगी वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा कि क्या खाने वाला हूँ मैं पहली मील में, ये सब आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी मैंने कोशिश की है, डाइट स्टार्ट की है और आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूँगा कि फास्ट फूड जितना हो सकता है मैं अवॉइड करूँ, आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। अब जाहिर सी बात है 2 महीने से खाते आ रहा हूँ, अभी एकदम से तो नहीं छोड़ सकता, आदत हो गई है, तो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूँगा कि मैं फ़ास्ट फूड जितना हो सकेगा अवॉइड करूँगा और हेल्दी फूड जितना हो सकेगा अपनी डाइट में ऐड करूँगा। 2 hours later सो फ्रेंड्स, सुबह नींद से उठने के बाद नाश्ता वाश्ता कर लिया था, तो वो मैं आपके साथ अपनी मील शेयर नहीं कर सका, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, क्योंकि घर के कामों में बहुत मसरूफ़ था। तो अभी मैं आया हूँ अहमद और रोक भाई के पास, क्या रोक भाई, वैसे काफ़ी वेट करवाया मैंने इन दोनों को यहाँ पर, तो अभी जाना है, कहाँ जाना है भाई रोक भाई, आप ही बता दो हमारे व्यूअर्स को। सदर गन्स मार्केट जा रहे हैं और 2 गन्स ऑलरेडी हमारे पास हैं, उनको चेंज करना है, अपग्रेड करना है, तो जाके देखते हैं क्या आप पसंद आता है इंशाल्लाह। अच्छा, तो अभी जाना है हमें सदर गन्स मार्केट, क्योंकि अहमद भाई और रोक भाई की गन्स जो है चेंज करवानी है, अब देखेंगे इनको कौन सी पसंद आती है। वैसे आज आपको सदर की गन्स मार्केट भी विजिट करवाएंगे कराची की। अभी फ़िलहाल हमारे पास 2 गन्स हैं, एक ब्रेटा 92 FS है और एक नोरिको 30 बोर है, तो हाँ टीटी है, अभी अपग्रेड करना है, अपग्रेड करना है रोहित भाई को, अभी गन से इससे थोड़ा बोर, रोहित भाई को भी चेंज करनी है। और देखो, मैंने शायद अभी मेरा मूड नहीं है गन रखने का, या क्या सीन है, वहाँ पे चल के देखते हैं कि हमें करना है क्या। चलो तो अभी चलते हैं सदर गन्स मार्केट, वहाँ पहुँच के आपसे मिलते हैं। Thank you.
अभी जो है बातें चल रही हैं, अभी ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अभी कौन सी गन लेंगे ये लोग। तो अभी रऊफ भाई की और उनकी डिस्कशन चल रही है आपस में, अभी इनको दिखाएंगे तो फिर आपको भी दिखाऊंगा कौन सी गन ये ले रहे हैं अपने लिए, एक्सचेंज कौन सी करवा रहे हैं वो भी दिखा दूंगा आपको। बाकी अभी ये लोग जो है ना रेट वेट पूछ रहे हैं, रेट वेट की मालूमात कर रहे हैं कि रेट कैसे हैं। पहले भी इन्हीं से लेकर गए थे रऊफ भाई, तो अभी देखेंगे। रऊफ भाई का पुराना भी आपको दिखाऊंगा कि पुरानी कौन सी है रऊफ भाई के पास, और अभी अपग्रेड करेंगे तो कौन सी लेंगे वो आपको दिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये है, ये सारी पड़ी है। वैसे यहाँ पर शूट करना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे क्लिप्स जो है मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी ऐसा है, इनको डिस्कशन करने देते हैं आपस में, ये लोग डिस्कशन कर लें, उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या फाइनल हुआ है, कौन सी फाइनल हो रही है। तो अभी इनको डिस्कशन करने। तो फ्रेंड्स, ये है अहमद भाई की नोरिन को 30 बोर। तो ये अहमद भाई की है, ये अभी एक्सचेंज के लिए लेकर आए, ये एक्सचेंज होगी, और ये ओरिजिनल है, ये इन साहब की है। तो ये ओरिजिनल है, ये अभी एक्सचेंज करवाएंगे, देखेंगे ये कौन सी लेते हैं अभी, तो आपको वो भी दिखाता हूँ। अभी ये एक्सचेंज के लिए आई है, ये वाली एक्सचेंज हो जाएगी। तो ये कौन सी है रूप भाई? ये नोरिंको कंपनी की CF98 है भाई। ये कितने की होगी? ये देख लो, मिल जाएगी ये इसके साथ में। अरे अभी तो पहले भी बोला था ये ओरिजिनल है। अच्छा अहमद, ओरिजिनल ये ओरिजिनल और डिफरेंस पे करें अभी नहीं। क्यों तो ये पसंद आ रही है अहमद भाई? ये वाली इसके साथ डिस्कशन चल रहा है, देखते हैं क्या। तो रऊफ भाई इसके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं भाई, अभी देखते हैं क्या होता है। ये दिखाइए अभी, इसके बाद देखते हैं कौन सी देखेंगे, अभी वो भी आपको दिखा दूंगा। फिर अच्छा, काफ़ी ऑयल लगा हुआ है, ऑयली ऑयली हो गए हैं हाथ सारे, ऑयल लगा हुआ है काफ़ी। ये अभी तुम ट्रिगर पे कभी भी हाथ नहीं लगा, ट्रिगर पे लोड में था निकल ऊपर या नीचे, ट्रिगर पे कभी भी उंगली नहीं, कभी भी जिस टाइम रेडी टू फायर होगा ना उस टाइम बस, बाकी हर वक्त इधर इस तरफ या ऐसे पकड़ के नीचे। हां नीचे ही ऊपर ये नहीं करना, ट्रिगर के पास उंगली बिल्कुल मतलब जल्दी से भी फायर। हां गोली ऊपर तो नहीं चढ़ा होगा ओके, या फिर भी हो या भरा हो, आपने हमें इतना ऊपर या नीचे पास नहीं। सो फ्रेंड्स, ये रऊफ भाई का, ये रऊफ भाई की है, बाकी अभी जो है रऊफ भाई इसको एक्सचेंज करवा रहे हैं, और अभी इसके एक्सचेंज में ये देखिए रऊफ भाई ने जो मैंने अभी आपको दिखाई थोड़ी देर पहले, बाकी अभी तक रऊफ भाई ये यूज़ कर रहे थे। सो फ्रेंड्स, इनकी डिस्कशन जो है ख़त्म हो गई है, और देखते हैं अभी क्या फ़ाइनल किया। रऊफ भाई आ गए हैं, आ रऊफ भाई क्या फ़ाइनल हुआ फिर? फाइनल अभी बेटा वापस किया है, तो इंशाल्लाह देखते हैं एक दो दिन के बाद या 10 दिन एक महीना जितना टाइम लगेगा उसके बाद वो बिकना चाहिए, वो बिकेगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। तो ऐसा है, रऊफ भाई ने अपनी दे दी है वापस, तो वो यहाँ पर पड़ी रहेगी, जब बिक जाएगी तो फिर रऊफ भाई को कॉल आ जाएगी, तो दूसरी गन रऊफ भाई तब आके ले जाएंगे यहाँ से। तो अपग्रेड आप कौन सी ले रहे हो? CF98 इंशाल्लाह। अच्छा, रऊफ भाई CF98 ले रहे हैं, और अहमद भाई आपका क्या हुआ?
यार मेरे पास तो नोरिंको की थी 30 बोर, मैंने वापस कर दी है, तो अभी मेरा मूड नहीं है रखने का। दो तीन महीने के बाद फिर मैं भी CF-98 उठाऊंगा, क्योंकि यार रोबे भी वही उठा रहे हैं। हमें वैसे शुरू से CF-98 उठानी थी, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा इशू था जिस वजह से नहीं उठा पाए, लेकिन अभी हम दोनों इंशाल्लाह उठा लेंगे। पहले रोबे उठाएंगे फिर मैं उठाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो जब ये गन्स लेने आएंगे तब भी एक व्लॉग बनाऊंगा मैं, आपको दिखाऊंगा रोब भाई ने कौन सी लिए और अहमद भाई कौन सी ले रहे हैं। तो अभी यहाँ से चलते हैं, क्योंकि गन्स दे दिए वापस, तो अभी यहाँ से चलते हैं, तो देखते हैं। अभी रऊफ भाई जो है ट्रीट देंगे इसकी खुशी में, रऊफ भाई से ट्रीट लेते हैं, चाय पिलाओगे रऊफ भाई, देखते हैं जो हुआ वो आपको आगे अपडेट मिल जाएगी, जो बनेगा देखते हैं अभी क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे रऊफ भाई, जैसा पता लगेगा तो फिर आपको अपडेट मिल जाएगी ऐसा। तो अभी चलते हैं यहाँ से, और ये है शॉप, ये शॉप है सदर में, ये बोर्ड लगा हुआ है, आप आ सकते हैं, आप में से अगर किसी को आना है तो आ सकते हैं, आप में से अगर किसी को चाहिए तो आ सकते हैं आप लोग भी, बाकी अभी हम चलते हैं। सो फ्रेंड्स, गन्स की शॉप से जो है आ गए हैं वापस, तो आज आपने देखी कराची की गन्स मार्केट, तो उम्मीद है आप सब ने इंजॉय किया होगा। बाकी अहमद की और रऊफ भाई की गन्स का जो है बोल दिया है आ जाएंगे, 10 से 12 दिन लगेंगे आने में, तो जब आएगी गन्स तो आपको दिखाऊंगा कि कौन सी रऊफ भाई ने और अहमद ने मंगवाई है, बाकी जब आ जाएगी तब आपको दिखाऊंगा। तो उम्मीद है आप सब ने इंजॉय की होगी। बाकी अभी जो है रऊफ भाई लेकर आए हैं हमें पिज़्ज़ा के लिए, होटल पे आए हैं जहाँ हम डेली बैठते हैं क्लास के बाद, वहाँ पर बैठे हैं अभी उस होटल पे, तो अभी पिज़्ज़ा आ रहा है, ऑर्डर कर दिया है, तो जैसे पिज़्ज़ा आता है उसके बाद आपसे मिलता हूँ। फ्रेंड्स, ये पिज़्ज़ा आ गया है, और ये रऊफ भाई की तरफ से, रऊफ भाई थैंक्स ब्रदर, लव यू। ये होती है भाई मोहब्बत। और ये अहमद भाई लगे में चटनियाँ डालने में लगे रहो भाई, बाकी अभी ये खाते हैं पिज़्ज़ा खाते हैं उसके बाद आपसे। तो फ्रेंड्स, फाइनली फारिग हो गए, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा लिया, पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत अच्छा था, बाकी पिज़्ज़ा रऊफ भाई ने खिलाया आज, तो आज का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मैं फर्स्ट टाइम वैसे कराची की गन्स मार्केट में गया हूँ रऊफ भाई के साथ, रऊफ भाई ने विज़िट कराया आज हमारे को गन्स मार्केट भी कराची की, मैं फ़र्स्ट टाइम गया था, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने गन्स वन्स देखी, मुझे इन चीज़ों में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, आप भी थे, बिल्कुल आप थे, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ये दो बलोच भाई हैं हमारे, इनको जो है कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। फर्स्ट टाइम गया था रऊफ भाई के साथ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, उम्मीद है आप सब ने भी वीडियो एंजॉय की होगी। तो अभी करता हूँ वीडियो को एंड, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।